असलम माई यूट्यूब व्यूवर्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड रियली डूइंग गुड दिस इज़ एट थर्टी वीडियो और हम लोग जो है वो बहुत बोर हो रहे थे घर में और समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएँ तो फाइनली वी डिसाइडेड टू गो टू द फैसल हिल्स एज दे हैव एंड दे हैव जस्ट स्प्रेड द मैसेज डू विजिट दिस सोसाइटी सो वी जस्ट डिसाइडिड टू गो देर और बहुत अच्छा यानी डिसीजन था हम लोग चले गए और हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि एक तो ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कुछ बताया था कि ये आर्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है और इसकी इनाग्रेशन होगी अभी कुछ ही दिन तक तो उसको ही आई थिंक थोड़ा सा इन्होंने जो है वो करने के लिए इसको जो है वो इसके फाउंटेंस ऑन कर दिए थे और इन्वाइट भी किया था काफ़ी सारे लोगों को ऐसे यानी सभी को इन्वाइट किया हुआ था एक पब्लिक मैसेज इन्होंने स्प्रेड किया था कि आप आएँ ईद के डेज़ में और सोसाइटी को विज़िट करें तो हम जब यहाँ गए तो हमें वाकई बहुत मज़ा आया बड़ा हमने इन्जॉय किया तो मैंने फिर वीडियोस बना ली ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि आप लोग भी आएँ क्योंकि थ्रू माय वीडियोस मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी जगहों का बताऊँ जहाँ पर आप जो है वो इंजॉय कर सकें और कोई भी अच्छी चीज़ या कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ जो मुझे मिलती है मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ उसे शेयर करूँ तो ये बहुत एक अच्छा आप समझे कि आउटिंग प्लेस बन चुका है तो डू विज़िट दिस प्लेस और यहाँ पे ये जो फाउंड हैं ये डांसिंग फाउंड हैं जो म्यूज़िक के साथ जो है वो मूव करते हैं और बड़ा अच्छा म्यूज़िक लगा हुआ था डिसेंट म्यूज़िक था और साथ साथ सिक्योरिटी भी थी किसी किस्म की जो हमेशा आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में होती है कि किसी किस्म की वो लड़बाजी ना हो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से जो है वो पब्लिक प्लेसेस जो है वो फजूल हो जाती हैं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था ऑल दो रश बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा फैमिलीज आ रही थी लेकिन प्रॉपर अभी ये देखें आप इसको आर्च को अभी जो है ना बंद किया हुआ है क्योंकि स्टिल अभी अंदर की तरफ थोड़ा काम है जो वो कर रही हैं जिसके बाद इसे प्रॉपर जो है इनाग्रेट कर दिया जाएगा और पब्लिक के लिए इसे खोल दिया जाएगा लेकिन अभी भी आप देखें तो इट्स इट्स गिविंग अमेस्मराइजिंग व्यू बहुत ही ख़ूबसूरत व्यू था बहुत ज़्यादा आ, हमने जो है वो इंजॉय किया और देख रहे होंगे आप साथ साथ कि लोग इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे हर फाउंटेन पे एक एक सिक्योरिटी गार्ड था प्लस आर्च में भी सिक्योरिटी गार्ड थे जो किसी भी किस्म के किसी मसले से बचने के लिए जिस तरह बच्चे जो हैं वो फाउंटेन के अंदर मोस्टली क्या होता है बच्चे पानी देख के कूद पड़ते हैं या हाथ लगाते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड था जो देख रहा था कि कोई किसी किस्म की कोई मिसमैनेजमेंट ना हो या खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो तो यह आप देखें डिफरेंट किस्म की लाइट्स और साथ साथ चेंज हो रहा था म्यूज़िक भी साथ साथ चेंज हो रहा था तो बहुत रात के टाइम तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसके पास खड़े होते थे तो पानी की फवर आती थी फवार आती थी या फवार आती थी तो वो बहुत अच्छा सा जो है ना ठंडा ठंडा लग रहा था और बहुत एक अच्छा जो है वो व्यू था क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा पिंडी इस्लाम बाहर टेक्सलावा में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है तो आई होप सो के वेन इट विल बी फुल इनग्रेट एंड वैन इट विल बी ओपन फॉर द पब्लिक इट विल गिव एन अदर फैसिलिटीज़ तो हमारे लिए एक अच्छा आप समझे कि एक काइंड ऑफ आउटिंग हो जाएगी एक अच्छा प्लेस है तो आई थिंक सो यू पीपल आल्सो विजिट दिस प्लेस और यहाँ पे बहुत प्यारी ग्रीनरी हुई हुई थी लाइट्स बहुत अच्छी थी इवन नाइट में भी कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ और हर तरह से यानी अभी तो देखें उस तरह यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट कोई कुछ भी ऐसा सच अभी तो फिलहाल नहीं है मे बी इन फ्यूचर सुनने में आया है कि इसके रूफ टॉप पर जो है वो रेस्टोरेंट्स होंगे और नीचे से लिफ्ट जो हैं वो ऊपर जाया करेंगी लेट्स सी क्योंकि अभी तक तो हम ख़ुद भी इसको जो है वो अंदर से हमने नहीं डिस्कवर किया और जब मैं डिस्कवर करूँगी तो इन शह वो डिस्कवरी आप सबके साथ ही होगी जैसे कि हमेशा से होता है तो खैर आप ये देख लें मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं हर एंगल से जो है वो वीडियोस बनाऊं और हर एंगल से आपको दिखाऊं वो फाउंटेन वन था और ये फाउंटेन इस तरफ सेकेंड है और एक और तरफ थर्ड फाउंटेन है तो ये बेसिकली तीन फाउंटेन है और उसके मिड में इन्होंने ये आर्च बनाया और यहाँ से हम निकल के थोड़ा सा आगे गए यहाँ मैं आपको पहले भी लेके गई हुई हूँ और मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है राइट्स एंड टाइट्स की तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर किड्स बहुत अच्छी जगह है आप लोग जाएँ ठीक है अपने बच्चों को लेके जाएं जाएँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके जो चार्जेस हैं दे आर वेरी नॉमिनल तो यहाँ पे बहुत सारा रश था और बहुत सारे लोग आए हुए थे ईद के दिनों में आपको पता है इसकी इनाग्रेशन राइट्स एंड टाइट्स की जो है वो लास्ट यानी ये जो छोटी ईद है उस पर हुई थी और तब इतना रश नहीं था लोगों को इतना नहीं पता था बट नाउ इट्स बिकमिंग ट्रेंड so do visit this place allah hafiz subscribe my channel